ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नारायण सेवा संस्थान गरीबों और असहाय लोगों के साथ साथ पोलियो की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए ऑपरेशन के साथ कई और मददगार आयोजन भी कराता रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको तमाम बातें भी दिखाते हैं। नारायण सेवा संस्थान पिछले 29 सालों से समाज के निशक्त लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो लोग पीछे छूट गए हैं, नारायण सेवा संस्थान उन्हें आगे लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और पिछले कई सालों से इस संस्थान की मदद पाकर कई निसहाय लोग आज के समय के साथ चलने में सक्षम हो सके हैं। नारायण सेवा संस्थान समाज के ऐसे ही असहाय लोगों की चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दीक्षा और रोजगार के साथ साथ उनकी गृहस्थी बसाने का बीड़ा भी उठाए हुए है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 एवं 15 जून को आयोजित विकलांग जोड़ों का विवाह समारोह भी इसी की एक कड़ी थी। ये संस्थान अब तक कई पोलियो रोगियों को मुफ्त ऑपरेशन के साथ बैशाखी और तिपहिया वाहन उपलब्ध करवा चुका है। साथ ही इन लोगों के रोजगार और रोजगार प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराता रहा है। नारायण सेवा संस्थान में हमारे देश के अलावा अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के पोलियो पीड़ित भी ऑपरेशन के लिए आते हैं। संस्थान में अब तक 73,500 से अधिक पोलियो के निशुल्क ऑपरेशन हो चुके हैं। करीब 1,70,000 बैसाखियों के साथ ही संस्थान ने हजारों तिपहिया साइकिलों का भी वितरण करके विकलांगों को बचाया है। संस्थान ने पूरी दुनिया में पोलियो से होने वाली विकलांगता के खिलाफ अपने अभियान से पोलियो रोगियों में एक आशा का संचार किया है। संस्थान देश के कोने कोने में अपना शिविर लगाता है। संस्थान के इन सेवा कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश चंद्र अग्रवाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो गरीब और असहाय लोगों की सेवा के लिए तत्पर है ये संस्थान नारायण सेवा संस्थान, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी बने हुए हैं, सोमवीर जी और कविता जी, जो कि इसी संस्थान की बदौलत आज एक शादीशुदा जोड़े हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सोमवीर और कविता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या काम जानती हैं, घर का आपको क्या क्या काम आता है? सिलाई कर लेती हैं आप? कर लेती। चलिए सोमीर जी, आप ही बता दीजिए कि कविता जी से जो आपकी बातचीत हुई वो क्या क्या बात हुई। कविता जी आपके जीवन साथी बनेंगी, इसके लिए आपने कविता जी से कुछ पूछा, कैसे आपको आपने तय किया कि कविता जी से ही शादी करनी है? इनका नाम पता पूछा, इनका सिलाई का पूछा, आप क्या क्या कर लेते हैं? ये कहती है मैं ब्लाउज बना लेती हूँ, पेटीकोट बना लेती हूँ, सलवार बना लेती हूँ, सूट बना लेती हूँ, चूड़ीदार बनवा लेती हूँ। और सिलाई में ज़्यादातर इन्होंने जो मैंने पूछा इन्होंने सारी मेरे को बता दिया जी। और इनकी मैंने सिलाई भी देखी, मेरे को इनकी सिलाई बड़ी अच्छी लगी, एकदम परफेक्ट एसनेंट टेलिंग लगी, तो मेरे को मैंने फ़ोन इनको हाँ बोल दिया। अब हम दोनों चलिए हमारे साथ नारायण सेवा संस्थान के निदेशक गणपत रावल जी भी जुड़ रहे हैं। गणपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज में और आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतना नेक काम आपके संस्थान कर रहे हैं और इतने 92 विकलांग जोड़ों को आपने एक नई जिंदगी दी। 29 साल से ये संस्थान ये काम कर रहा है, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? अगर गवर्नमेंट की बात करें तो कितना प्रोत्साहित किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी संस्थान को? गवर्नमेंट की तरफ से हमें जैसे इंस्टीट्यूट मिलते हैं, जो साइकिल वगैरह बांटने में हमें हेल्प की रहती है, साइकिल और ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी वगैरह के लिए वगैरह होते हैं, तो उनमें हमारे जो कैंप्स वगैरह लगते हैं तो उसमें हमारी हेल्प होती रहती है। जो अदर्स ऑपरेशन वगैरह है वो संस्थान अपने डोनेशन पे करता है सारा काम, दान प्रति से। हमें इसमें अभी 400 बेड का हॉस्पिटल है संस्थान का और 100 पेशेंट लगभग हमारे संस्थान में होते हैं निःशुल्क। उनका खाना पीना रहना दवाई एक्सरे ऑपरेशन टोटल निःशुल्क होता है सारा पैकेज, किसी से कोई चार्ज नहीं लेता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, 8-10 कंट्री से पेशेंट अपने यहाँ आते हैं जी।
जी इलाज कराने के लिए। और लगभग अभी अपने पास 15,000 गणपत जी रामलीला मैदान में जो आयोजन हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन, जाहिर तौर पर ये बहुत नेक काम है जो कि संस्थान की तरफ से किया गया। इन तमाम विकलांग जोड़ों को, निशक्त जोड़ों को आप लोगों ने एक नई जिंदगी दी, लेकिन अब आगे की जिंदगी भी इनकी सही तरीके से चलती रहे इसके लिए संस्थान की तरफ से भी क्या कुछ मदद की जा रही है? हाँ, इनके लिए हम जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, टीवी, सीआर प्रशिक्षण इनका बनाया है, ताकि कंप्यूटर सीख के या मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करके इनका अपना रोजगार गाँव में खोल सके और ये अपने एक स्वरोजगार अपने गाँव में खोल सके। मतलब इनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा देते हैं, किट देते हैं पूरा, ताकि अपनी कहीं भी दुकान लगा के अपना कार्य और रोजगार अपना चला सके ये और अपनी पारिवारिक जिंदगी आराम से जी सके। बिल्कुल, ये आयोजन जो होता है सामूहिक विवाह का आयोजन, ये किस तरीके से आप लोग करते हैं? जो तमाम जोड़े हैं वो क्या संस्थान की तरफ से ही निर्धारित किए जाते हैं कि इस जोड़े की शादी करनी है, या फिर सभी अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, कैसे ये क्या है पूरी प्रक्रिया? तमाम हमारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो कि जानना चाहते होंगे, जो कि अब तक आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि कैसे होता है यहाँ पर सब कुछ। जी जी, हमारी एक पत्रिका निकलती है वैसे सामूहिक विवाह के लिए, तो वो लगभग 6 महीने पहले, अभी जैसे दिसंबर की शादियों की हम पत्रिका निकालते हैं, जो भी हमारे पास सब आते हुए हमारे बच्ची है जो भी होता है हमारा लड़का है वगैरह, तो उनकी हम एक पूरी पत्रिका बनाते हैं, उसमें फोटो, नाम वगैरह, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, पूरी डिटेल्स की एक पत्रिका निकलती है, तो उसमें वो पत्रिका भरती रहती है मार्केट में, तो उस आधार पर जोड़े बनते रहते, वो अपनी अपनी बात करते थे। कुछ हमारे यहाँ ऑपरेशन करवाने आते हैं तो वहाँ उनकी बात होती है, वो रहते साथ में उनके परिवार वाले, तो उनका जमता है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जी चलिए गणपत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सोमवीर जी, कविता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपके आने वाले जिंदगी के लिए भी जिया न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत आगे बढ़े हमारी यही शुभकामना है। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए जिया न्यूज़, जर्नलिस्ट इन एक्शन।